हाँ जी, ये तंदूरी चिकन पीस जो है रेडी हो गए हैं। इसके मैंने डिश आउट की हैं, आप देखें देखें और इसको बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन पीस। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद पीस लिए हैं, इनको मैंने कट लगा लिया हुआ है। उसके बाद एक हाफ लेमन, इसका मैंने जूस लेना है इसलिए हाफ लेमन। ये ग्रीन सॉस है, मिंट सॉस और कोरिएंडर सॉस, ये मेरे पास है हाफ 3 टेबल स्पून। ये मेरा तंदूरी मसाला, ये जिंजर गार्लिक हर्ब है 1 टीस्पून, भर के नहीं है, हाफ टी स्पून के लगभग है। ये टू द टेस्ट सॉल्ट है, मैंने हाफ टी स्पून लिया है। ये एक चुटकी रेड कलर, ये हॉट पेपरिका, ये भी हाफ टी स्पून है। ये मिक्स हर्ब है, ये 1 टीस्पून। ये थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करने के लिए। ये अब मैं करने लगी हूँ इसकी मैरिनेशन। इसके मैंने डीप कट लगा लिए हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। ये इसके अंदर पहले लेमन जूस, इसके बाद जो रेड कलर है ये ऐड करना है। ये तंदूरी है तो इसलिए थोड़ा सा रेड कलर। इसके बाद ये ग्रीन सॉस, ये हर्ब, सॉल्ट, ये जिंजर गार्लिक हर्ब, पेपरिका, ये तंदूरी मसाला, अच्छी तरह इसको लगाना है। ये मैं आप इस ट्रे के अंदर जो मैंने माइक्रो में करना है इसका स्प्रे कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं। ये जो पीस है ये रखने हैं। हाँ जी, ये मैंने ओवन को प्री हीट कर चुकी हूँ। ये मेरा 180 टेम्परेचर और ये 35 मिनट के लिए मैंने इसको अंदर रखना है ओवन के अंदर। ये मेरे हो गए हैं, अब मैं इसका ओवन बंद करने लगी हूँ। मैंने बाद में इसके ऊपर रखती थी ग्रिल के ऊपर। हाँ जी, ये तंदूरी चिकन पीस जो है रेडी हो गए हैं। इसके मैंने डिश आउट की हैं, आप देखें देखें और इसको बनाएं।